हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको न्यूली रिक्रूट एसबीआई पीओ जो 2022 बैच के हैं, उन्हें जो है कैसा गवर्नमेंट क्वार्टर यानी कि एसबीआई जो प्रोवाइड कराती है सरकारी क्वार्टर, वो उनको कैसा मिलता है, तो इन सभी जो है बातों की आज चर्चा होगी। और मैं जो है आपको उनका होम टूर करवाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ना करना ना भूलिए, और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो है एसबीआई पीओ के क्वार्टर में इंटर करा रहा हूँ, और जैसे ही आप गेट खोलिएगा तो एक बड़ा सा हॉल आपको देखने को मिलेगा। और आप देख पा रहे हो कि हॉल की जो लंबाई है लगभग जो है 30 फीट के आसपास में है। और मैं आपको जो है उसके बाद जो पहला रूम है उसमें मैं आपको इंटर करवा रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे गेट की जो साइज़ है लगभग 3 फीट की है, और जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो आपको एक 12x12 का रूम मिलेगा, 12 फीट लंबाई और 12 फीट चौड़ाई। और 2 कवर्ड जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अभी तो ये पूरा खाली है क्योंकि कुछ सामान अभी नया नया शिफ्ट इसमें किया जा रहा है। और सबसे जो खास बात मुझे लगी यहाँ की, ये जो खिड़की है, खिड़की के ऊपर नेट का भी यूज किया गया है, जिस कारण से जो है कोई मच्छर उच्छर भी जो अंदर नहीं आ पाए। और आप देख पा रहे होंगे 6th फ्लोर में जो है ये क्वार्टर प्रोवाइड किया गया है। और दोस्तों, और रूम के अंदर ही जो है एक अटैच बाथरूम है, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे कितना साफ़ सुथरा ये बाथरूम है, और एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है। अब हम लोग जो है हॉल की और तरफ चलते हैं, और फिर से जो है मैं आपको एक दूसरे रूम में लेके जाता हूँ। वो एक तो ये रूम हो गया, एक और रूम, और यहाँ आपको सामने में जो है एक बाथरूम दिखेगा। और ये जो है फ़िलहाल जो है शिफ्ट किया है, फोल्डिंग वोल्डिंग लगा हुआ है यहाँ पे, इसमें भी आपको 2 कवर्ड मिलेंगे। और यहाँ जो है एक खिड़की, और रूम की जो है लेंथ भी आपको अच्छा मिलेगा, आप आराम से जो है इसमें रह लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वेल प्लान करके एक अच्छा क्वार्टर बनाया गया है। ये एक बेड है, और अभी तो शिफ्ट ही इसमें किया जा रहा है, इस कारण से ज़्यादा कुछ सामान आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये बाथरूम लगभग सब बाथरूम एक जैसा ही है, और सब भी सब जो है लगभग साफ सुथरे कंडीशन में आपको बाथरूम देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, अब हम लोग जो है तीसरे रूम की ओर चलते हैं, यानी आपको 3 BHK रूम दिया जाता है SBI PO। आप ज्वाइन करते हो तो आप जो है ये वीडियो देख के ज़रूर मोटिवेट हो गए। अब हम लोग जैसे दोस्तों तीसरा रूम में जाते हैं, तो एज इट इज़ जो हम लोग पहले का दो रूम देखे हुए थे, सेम वही रूम होने वाला है। और यहाँ जो है 2 कबर्ड लगे हुए हैं, एक आपको अटैच बाथरूम, यानी 3 रूम और 3 बाथरूम आपको यहाँ मिलेगा। और ये जो लोकेशन है दोस्तों, ये है आपका हैदराबाद का लोकेशन। हैदराबाद में आप ज्वाइन करते हो तो आपको ऐसे जो है अच्छे क्वार्टर मिलेंगे। और मैं आपको विंडो की ओर से व्यू दिखा दूँ कि कितना अच्छा हाइट है, लगभग 7th फ्लोर के आसपास ये जो बिल्डिंग है, लगभग 7th फ्लोर प्रोवाइड किया गया है। और आसपास का जो नज़ारा है वो भी बहुत अच्छा है, और नीचे से आप देख पा रहे हैं गार्डन भी है, पार्किंग जोन भी है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको देखने के बाद जो है बहुत ही अच्छा फील कर रहे होंगे। और मैंने जो है खिड़की लगा दिया है, अब आपको जो है मैं किचन की ओर लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा किचन में क्या क्या चीज़ जो है दिए गए हैं। और अब जो है दोस्तों, ये बाथरूम है, और बाथरूम भी लगभग तीनों जो है बाथरूम सेम ही है। लगभग आपको कहीं को देख लगेगा कि सेम रूम में मैं कहीं तो नहीं जा रहा हूँ, मगर अब मैं आपको दोबारा हॉल से दिखा दूँ कि 3 अलग अलग रूम मिले हुए हैं, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और उसके बाद हम लोग किचन चलते हैं, किचन भी का भी जो है छोटा किचन आपको नहीं मिलेगा, बड़ा किचन ही मिलेगा। और किचन में जाने के बाद आपको जो है बेसिन, और यहाँ आपको जो है फ्रिज रखने की जगह है, ये जो आप साइड में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप फ्रिज रख सकते हो इसके अंदर में करके। और उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रिज कनेक्शन आप रख सकते हो। अब बगल में जो भी सामान होते हैं, ग्रोसरी के जो भी सामान होते हो, आप यहाँ पे रख सकते हो। तो अभी फ़िलहाल तो कुछ कुछ सामान यहाँ पे रखा गया है,
और जैसा कि आप जानते हो कि बिहारी को जो है बाहर का खाना पसंद नहीं आता है, तो टाइम मिले ना मिले तो खाना तो घर पे ही बना के खाना चाहिए। और ये कब नीचे का कवर्ड आप देख पा रहे हैं, इसमें आप लोग कुछ सामान रख सकते हो किचन से संबंधित। और यहाँ एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है, जिससे कि जितना भी धुआं इस किचन में उठेगा वो बाहर की ओर चला जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों, मैं यहाँ से जो है ये सबसे खास बात की, या इस किचन से जो एक अटैच एक छोटा सा बालकोनी है, और यहाँ जो है आप बालकोनी को मैं दिखा दूँ, यहाँ जो है आप कुछ सूखने के लिए दे सकते हैं। और ये सेफ्टी को देखते हुए यहाँ पे नेट का यूज किया गया है, जो मुझे सबसे खास बात लगी कि इसमें सेफ्टी को जो है सब वरीयता दी गई है। अब मैं आपको जो है सबसे जो सुंदर पॉइंट है, ये आपका बालकनी है, कितना लंबा चौड़ा है। यहाँ आप एक अच्छा सा सोफा लगा के आप बाहर का दृश्य देख सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा इस वीडियो के बाद कि SBI PO बनने के बाद आपको एक लग्जरियस लाइफ मिलती है। इतने अच्छे क्वार्टर मिलते हैं 3 BHK, वो भी एक हाईटेक सिटी में, जिसमें कि आप अपने फुल फैमिली के साथ बिना किसी दिक्कत के रह सकते हो। आप कंडीशन देख पा रहे होंगे, फुल्ली जो है वेल मेंटेन कंडीशन है, कहीं से भी कुछ गंदा उंदा नहीं है। तो आई होप आप इस वीडियो को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। उसके बाद जो है दोस्तों, आपके मन में एक कन्फ्यूजन होगा कि ये लगभग 10 फ्लोर का जो है ये बिल्डिंग है, क्या इसमें सीढ़ी के द्वारा ही जो है मुझे ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, तो ये डाउट भी आपका मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो पे। तो मैं आपको जो है यहाँ पे ये जो है, सीढ़ी से आप नीचे जा सकते हैं। और उसके बाद जो है मैं यहाँ आपको लिफ्ट दिखा दूँ, यहाँ लिफ्ट भी दिया गया है, और ये है आप ऊपर से ऊपर का नज़ारा। और उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको नीचे की तरफ जो है, नीचे आप देख पा रहे होंगे हर एक बिल्डिंग के नीचे जो है अपना पार्किंग है, और ये बाहर का नज़ारा लगभग सभी अगल बगल आपको छोटे छोटे घर दिखेंगे। और SBI ने वेल प्लान करके जो है एक खूबसूरत सा जो है क्वार्टर SBI PO के लिए बनाया है। आई होप आप जल्दी से अच्छे से तैयारी करके SBI ज्वाइन करो, जिससे कि आपको ऐसा क्वार्टर मिले। और मैं फिर से दोबारा एंटर कर रहा हूँ अपने रूम में। और आप तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और SBI 2023 की तैयारी क्या आप कर रहे हैं, इस पर भी ज़रूर कमेंट आए कीजिएगा, क्योंकि लगातार जो है इस पर वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।